जना देख बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई आजकल। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? उसका को हाल तो बताओ। आप बहुत ही अहम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं या आपको बड़ी अहम खबरें सुन रहे हैं, तो बच्चे पास बैठे हुए बिल्कुल खटे किन्नू की तरह मुंह बनाया होता है उन्होंने, और कोई उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो पता चल रहा होता है। मगर वो जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं एक अहम या खबरें सुन रहे हैं, उसमें जो ही वक्फा आता है तो वो जो बच्चे पास बैठे होते हैं खटा किन्नो वाला मुंह करके, वो फौरन कहना शुरू कर देते हैं कि अब वक्फा आया, आप तो थोड़ी देर कार्टून लगाते हैं। बंदा आगे से कहता है कि बेटे ये रहा प्रोग्राम तो देख लेने दो, एक मिनट ठहर जाओ खुदा के लिए, हसबे हाल चल रहा है बेटा, ये जो अंकल जुनैद बैठे हुए इनको देख के कार्टून का शौक पूरा करो। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, इनकी पूछल नहीं है। मतलब ये जो कार्टून है ये बच्चों के दिमागों पे ऐसे सवार हो गए हुए हैं कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कुछ देखते ही नहीं बच्चे। एडिक्शन हो गई हुई है, बहुत खौफनाक किस्म की एडिक्शन है कार्टून्स की। और तो इसका को इलाज लूज नहीं निकल रहा क्यों ऐसे? इलाज नहीं, हम बच्चों को खुद इसका एडिक्ट करते हैं। पहले जो माएं थोड़ा सा अपना ध्यान बटाने के लिए, बच्चा अगर तंग कर रहा है तो फौरी तौर पर किचन से निकलेंगी, उनको कार्टून लगा देंगी कि बच्चा बैठा हुआ है, अब वो आधा घंटा देख रहा है, एक घंटा देख रहा है, दो घंटे देख रहा है। और कहा यह जाता है कि बच्चों की कार्टून करेक्टर्स के साथ इस कदर स्ट्रांग एफिलिएशन है, उनके साथ मोहब्बत और उनके साथ अपनाइयत जो है कार्टून करेक्टर्स के साथ जो है, वो दीगर जो बच्चों के ड्रामाज हैं उनके जो करेक्टर हैं उनसे दुगनी ज्यादा है। और बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, कभी उनके कैरेक्टर्स भी इसी तरह मशहूर हुए हैं जिस तरह कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। जिन्हें कार्टून कैरेक्टर तो इस कदर मशहूर, यार इतनी ज्यादा एफिलिएशन हो जाती है बच्चों की कार्टून कैरेक्टरों के साथ कि अब बीमार हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह माफ करे मिकी माउस के सिर में थोड़ा बज जाए तो बच्चे बेचारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अभी उसकी वजह है ना, वो उसको हीरो समझते हैं ना अपना, जैसे सुपरमैन हो गया, स्पाइडरमैन, वो आइडियलाइज करते हैं, वो उनकी इंस्पिरेशन होते हैं। शाबाश, यानी अब बच्चे अगर मिकी माउस को हीरो समझ रहे हैं तो फिर मैं कल से मिकी माउस बन के बच्चों में फिरा करूं। तुम देखो ना, यहाँ से अंदाजा लगा लो कि ये जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं ये किस कदर स्ट्रांग इंस्पिरेशन है हमारे बच्चों के लिए, बल्कि यूथ के लिए भी इतनी मजबूत इंस्पिरेशन है, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि सिर्फ अमरीका में कार्टून कैरेक्टर्स के जरिए तशहीर पर $5 अरब से ज्यादा रकम खर्च की जाती है। $5 अरब मामूली रकम नहीं है यार। हाय। और उससे बड़ा मसला ये है कि तकरीबन 75% जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं वो वॉयलेंट कैरेक्टर्स हैं, किसी ना किसी अंदाज में वो पुरतशद्दुद है। और आए रोज अमेरिका में, यूरोप में, और अब तो हमारे यहाँ भी ऐसी रिसर्च सामने आ रही हैं, स्टडीज सामने आ रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि जूं जूं बच्चा एक्सपोज होता चला जाता है इन वॉयलेंट कार्टून कैरेक्टर्स से, उतना ही वो प्रोन होता चला जाता है वॉयलेंट सरगर्मियों से, उस पर असर ही कोई नहीं होता। मसलन ये कि अगर एक बच्चा, अब ये हालिया कुछ अरसा पहले एक स्टडी सामने आई थी कि वो बच्चे जो ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं जो अपने किसी दूसरे कैरेक्टर को सर पे जरब लगाते हैं, वो होता है ना बाज़ दफा, वो तारे घूमते हुए नजर आते हैं, बाद ऐसे कर होता है। अच्छा, अब वो बज़ाहिर तो एक बिल्कुल हम उसको फन में लेते हैं, एक मजाहिया सी एक हरकत लेते हैं, लेकिन स्टडी ये बताती है कि वो बच्चे जो बार बार ऐसे मनाजर देखते हैं वो फिर लड़कपन में, स्कूल में और बाद कॉलेज में जाके वो अपने साथियों को यही हरकत, यानी उनके सर में कुछ चीज मारने में कभी रिलक्टेंट नहीं फील करते। अब उनके ये में तो ज्यादा से ज्यादा यही होता है ना कि सर में कुछ चीज मारेंगे तो तारे घूमेंगे साथ यही है। करेगा और फिर उठ के चल पड़ेगा। किस कदर खतरनाक है वैसे ये सर, ये जो मैंने किया? नहीं नहीं, ये मतलब सारी एक्सरसाइज कितनी खतरनाक है। बहुत खतरनाक, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये इसको फौरी तौर पे इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सही, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सुपरमैन, स्कूबी डू, पोकेमोन और ये बेन 10, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक तरह से देखा जाए तो वायलेंट ही हैं। बिल्कुल, हमें एहसास नहीं होता कि ये वायलेंट कैरेक्टर्स हैं। 1950 की दहाई में जब पोपाया द सेलर का दौर था, बिल्कुल, जब राज करता था टीवी स्क्रीन पे पोपाया द सेलर, जिसका हमने 2-4 दिन पहले जिक्र भी किया था, वो भी वायलेंट कैरेक्टर्स हैं और क्या था सर। बाकी सारी चीजें छोड़े, टॉम एंड जेरी आप देख लें,
टॉम एंड जेरी के अंदर किस कदर वॉयलेंस दिखाया जाता है? इस कदर पुरतशद्दत, वो जेरी बेचारा किसी खोड में घुस जाता है तो वो टॉम जो है वो उसकी पूंछ पकड़ के जब खींचता है तो वो जेरी कितना लंबा हो जाता है, बिल्कुल एकदम उसको छोड़ता है तो वो टॉम जाके बैठता है बेचारा दीवार के अंदर। बच्चे हंस रहे होते हैं ना, बजाहिर ये मासूम मासूम सी शरारते लगती है और हम हंसते हैं इन शरारतों पे, लेकिन अगर आप जरा गहराई से जायजा लें तो ये वायलेंस ही है, और वो वायलेंस किसी ना किसी अंदाज में, ये हम लोग नहीं कह रहे, मतलब माहरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि वो बच्चों के दिलो दिमाग से जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का खौफ है उसको खत्म कर देते हैं। हाँ जी हाँ जी, और लड़ाई जो है ये मशहूर इनकी हो गई हुई है। वाकई तुम ठीक कह रहे हो, मुझे एक बंदा कह रहा था कि यार तुम लोग जब तोमर पाजने लड़ते हो तो ऐसे लगता है टॉम एंड जेरी शुरू हो गया। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है वो भी 24 घंटे लड़ते ही रहते हैं, तुम भी लड़ना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तुम ख्याल किया करो, ख्याल किया करो, टॉम एंड जेरी लग रहे हो। टॉम भी मैं लग रहा हूं तो जेरी भी मैं लग रहा हूं, जाहिर है तुम ना टॉम हो सकते हो ना जेरी हो सकते हो। तो मेरा कार्टून लाइन किंग तो बहुत मशहूर हुआ था। ओहो लाइन किंग, हां वो जो सांबा के साथ मैंने सीन किए हुए हैं। होय होय यार, वैसे पाजना दी अब भी ज्यादा रिवाज पड़ गया कार्टूनों का। हाँ। पाकिस्तान में तो वैसे इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी, बहुत पुरानी है। मेरा ख्याल है कमोबेश 7 दहाइयों का लंबा सफर है कार्टून इंडस्ट्री का। होय होय होय, तो तुम उस वक्त भी देखा करते। और तुम्हारे लिए बात बहुत ज्यादा दिलचस्पी की हामिल होगी कि कार्टून टीवी स्क्रीन पे आने से पहले स्टेज पर राज किया करते थे। अच्छा जी। हाँ जी, अब स्टेज पर तो वैसे एक दो कार्टून ही रह गए हैं, वो अफ्तखार ठाकुर, मानद चंद, कौडू, ज्यादा नहीं है अब कार्टून। 1930 से लेकर फिर 1950 का वो अरसा था जब कार्टून ने बाकायदा एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार की थी, और इस पे मिलियंस ऑफ डॉलर उस वक्त और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आज इन्वेस्ट किए जा। अच्छा जी, ये इस पे अरबों डॉलर लग जाते। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।